नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। खबर अलवर से है, जहां शेखावत मैरिज होम में भाजपा की कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री गौतम दत्त मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीटिंग में आने से पहले रामगढ़ गुरुद्वारा में मत्था टेका। वहीं सिख समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा के उपचुनाव में प्रदेश केवल से भाजपा जिसको भी टिकट देकर मैदान में उतारेगी, मैं उसके साथ कार्यकर्ता बनकर उसका सहयोग करूंगा। राजस्थान के चूरू में नवरात्रि के अवसर पर मेघचंद फाउंडेशन की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इसको लेकर व्यवस्थापक गंगा सिंह ने बताया कि इस बार 20वां भंडारा लगाया गया है। साथ ही पुजारी कमलेश शर्मा का कहना है कि पहाड़ी पर स्थित मंदिर में काली माता के ठीक सामने लगी भगवान गणेश की अनोखी प्रतिमा उत्तरमुखी है। मंदिर के ठीक पास मेला ग्राउंड में पिछले 10 साल से लगातार मेघचंद फाउंडेशन की ओर से साल में 2 बार भंडारा लगाया जाता है। पहाड़ पे माता जी का मंदिर है, दक्षिणमुखी माता जी, और उत्तरमुखी है गणेश जी। गणेश जी के अंदर पेट के अंदर अंदर की ओर दशा हुआ है, बाकी मंदिरों में बाहर होता है। और इसलिए जो तंत्र विद्या करते हैं या साधना कोई मंत्र सिद्धि करनी है उसके लिए बहुत अच्छा स्थान है ऊपर पहाड़ पे माता जी का। वो मंदिर है विक्रम 1646 वर्ष ज्येष्ठ वृद्धि नौमी मंगलवार वार को बना हुआ है, जो वहाँ पर शिलालेख है। राजस्थान में अपने आस पास एक मंदिर नहीं जो दक्षिण मुखी है। यहाँ 20 ये हमारा 20वां भंडारा है कंटिन्यू, और 10 सालों से लगातार दोनों भंडारों में यहाँ दोनों नवरात्रि में भंडारे लगाए जाते हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, और मेघ चंदन फाउंडेशन बनाया हुआ है हमारा, उनके निदेशक तो कुलदीप सिंह जी राठौर साहब है, और जस साहब आप नाम जानते होंगे कन्नी सिंह जी राठौर साहब का, उनका सब है। हम तो सिर्फ उनके देख रेख में काम करते हैं सारा, और सभी से निवेदन यही है कि हमारा कि एक बार जरूर प्रसाद लेने पधारें। राजस्थान के बहरोड में देर रात बिजली ग्रिड के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर जिले में एक निजी क्लिनिक में 14 वर्षीय मासूम बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने दवा और उपकरण जब्त कर निजी क्लिनिक को सीज करने को लेकर कार्रवाई की है। वहीं रैणी सीएचसी प्रभारी ने अवैध क्लिनिक और 4 लैबों के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कर BCMO डॉक्टर रामस्वरूप मीना ने बताया कि नसीहा चौराहा स्थित निजी क्लिनिक द्वारा एक 14 माह के बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। खबर जोधपुर से है, जहां एक शाम माता पिता के नाम स्वरांजलि स्वरूप भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक लोकेश कुमार शर्मा और योगेंद्र शर्मा ने बताया कि भक्ति संध्या में संत कवरा नरेंद्र शर्मा, रूपाली शर्मा, मीरा झाला और संतोष जांगिड़ ने भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं को भवविभोर कर दिया। इस दौरान माता पिता की सेवा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा में ही स्वर्ग है। अलवर में एक बाइक सवार व्यक्ति ने 12 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बच्ची अपने भाई के साथ दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी, तभी रोड क्रॉस करते समय एक बाइक सवार ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी और घटनास्थल से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। क्या घटना हुई थी? भाई साहब 3 बजे के टाइम पर लगभग ये लड़की कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी चौक पे, और एक बाइक वाला उधर से आया
टप्पूकड़ा खुसगड़ा रोड से और कुछ दूरी पर जो है उधर से उधर टक्कर मार के और निकल के भाग गया और लड़की को जिला अस्पताल ले गया, वहाँ भर्ती कराया और भर्ती कराते अपना फरार हो गया, गायब हो गया। घटना का की है? घटना यह है टप्पूकड़ा की है। टप्पूकड़ा रोड की घटना है। महिला और स्कूली बच्चों को अपने मुंह में पकड़कर घसीटने लगा। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बच्चे और महिला भवरी देवी को आवारा गधे के चंगुल से बचाया, जिसके बाद महिला को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं गधे के आतंक से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जोधपुर में 100 पलंगों से युक्त नवीनीकृत पुलिस बैरक का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा भामाशाहों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा गया, निश्चित रूप से नवनिर्मित ये बैरक राजस्थान के सभी जिलों में स्थापित बैरकों में से नंबर 1 पर है। समाज सेवियों के सहयोग से पुलिस लाइन परिसर में इस प्रकार के नवाचार होने से पुलिस के जवानों और अधिकारियों का हौसला भी मजबूत हो रहा है और ये महसूस होता है कि 24 घंटे काम करने वाली पुलिस के साथ समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा भी खड़ा है। पाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधार कार्ड बनाने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में DOIT द्वारा शिवराम आधार ऑपरेटर को लगाया गया। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों के नए आधार कार्ड और आधार संशोधन का कार्य किया। आधार ऑपरेटर शिवराम ने बताया कि इस कैंप में 13 नए आधार कार्ड बनाए गए हैं। 84 विद्यार्थियों के आधार कार्ड का संशोधन का काम किया जा रहा है। राजसमंद में लगातार हो रहे पैंथर की मूवमेंट से लोगों में भय का माहौल है। वहीं इसको लेकर मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से पैंथर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। स्थानीय निवासी राजू राज पुरोहित ने बताया कि सिहार क्षेत्र में लगातार पैंथर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। बीती रात पैंथर उनके घर के अंदर तक आ गया। ये पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हम सियाड़ हनुमान जी के पास में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे पैंथर दिखा जा रहा है। कल रात को भी यहाँ पे CCTV कैमरे में एक पैंथर रिकॉर्ड हुआ है और बस्ती में घूम रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो वन विभाग से निवेदन है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें और पैंथर को पकड़ने का काम करें। ये रास्ता बन गया फिर? यहाँ पे लोग सुबह मंदिर के हिसाब से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उससे भी एक जान माल का खतरा बना हुआ है। तो प्रशासन से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें इस मामले में। 2-3 बजे लोग उठ जाते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर है और ये ऑन रोड देख लो, ये ऑन रोड है सामने और यहाँ से पैंथर रोज आ रहा है। हर संडे को भी देखा गया और आज तो ये CCTV फुटेज में भी आ गया आपके सामने। तो अभी क्या है, पैंथर का खोप भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो प्रशासन से विनती है कि हमारे यहाँ पे जल्द से जल्द पिंजरे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि सब जल्दी उठते हैं। खबर पाली से है, जहां एक ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक रहीम बख्श की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।